चलो ये भी बढ़िया है। अभी हमारे पास टाइम नहीं है टाइम लैप्स बनाने के लिए, टाइम पूरा हम लोग का लैप्स हो चुका है। हेलो नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होगा। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स ऑन व्हील में। आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, सर्दी हो रही है तो आवाज़ में थोड़ा सा अप डाउन हो सकता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। तो आज एक वापस से एक राइड है टूवर्ड्स पुणे, एक संत दर्शन म्यूज़ियम करके एक जगह है जिसका मैंने काफ़ी रील्स चेक की तो काफ़ी अच्छा लगा वो, तो सोचा देख के आते हैं क्या है कैसा है। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम दिस विथ दिस ब्यूटीफुल सनराइज। मुंबई में भी अभी थोड़ी सी ठंड चालू हो गई है, एक गुलाबी गुलाबी ठंड जो होती है ना सुबह सुबह की, वो हो गई है। अभी सुबह के लगभग 7:45 बज रहे हैं और हल्की सी ठंड महसूस हो रही है, और ठंड का जो सनराइज होता है ना वो सीरियसली बहुत खूबसूरत होता है, आश्चर्यचकित। ये कुछ लोग यहाँ से बना रहे हैं टाइम लैप्स, ये भी बढ़िया है। हमारे पास अभी टाइम नहीं है टाइम लैप्स ऑन, अभी हमारे पास टाइम नहीं है टाइम लैप्स बनाने के लिए, टाइम पूरा हम लोग का लैप्स हो चुका है। तो चलिए निकलते हैं मुंबई से बाहर, थोड़ा टाइम लगेगा बट इट्स ओके, इट इज संडे राइड, यू नो इट इज अ फन राइड। मुंबई पुणे ओल्ड हाईवे से हम लोग अभी कामशेद से हम लोगों ने राइट टर्न लिया है। हम लोगों की डेस्टिनेशन जो आपको पता है कहाँ जा रहे हैं वहाँ जाने के लिए। तो आप जब भी आए ना तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, फिर हाईवे के बाद में ये सिंगल लेन रोड है, अब देखते हैं। रोड तो अच्छा है नो डाउट, अगर ऐसे ही रहा तो देखते हैं। बाकी आपको आगे बताते हैं कैसा क्या है, तो जुड़े रहिए अंत तक। तो जुड़े हो ना, कहीं गए तो नहीं? मैं जस्ट चेक कर रहा था। ठीक है तो जुड़े रहिए, आपको दिखाते हैं आज एक नई जगह मेरे लिए भी और आपके लिए भी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो नमस्ते, बोल दिया। अरे अच्छा, तो हम लोग जा रहे हैं, बता दिया। अच्छा ये भी बता दिया। अरे दिक्कत क्या हो गई है ना कि सुबह से ना मिली एक कप चाय ना पिए एक कप कॉफ़ी, तो अभी दिमाग बिल्कुल भी चल नहीं रहा है। तो अभी हम लोग रुके हैं एक ब्यूटीफुल सी जगह पर पवाना लेक के पास में, आपको तो बता दिया हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो ये ब्यूटीफुल सी जगह है, यहाँ पर हम लोग चाय और नाश्ते के लिए रुके हैं, और आज हमारे साथ है हमारी धर्म पत्नी। तो हम पहले तो रुको, चश्मा पहनने तो आंखें बंद हो रही है मेरी बहुत ही ज़्यादा।
अरे रुको पहनने दो मैं। अभी देखो अब ठीक है ना, आँखों में नींद है बहुत सारी इसलिए चश्मा पहनना ज़रूरी है। तो फाइनली हम लोगों का नाश्ता आ गया, ये मिसल पाव आ गया है जिसको हम लोग खाएंगे, इसके बाद में वड़ा पाव ऑर्डर किया है उसको खाएंगे, चाय ऑर्डर करी है उसको पियेंगे और फिर निकल जाएंगे डेस्टिनेशन के लिए। तो आपसे सीधे मिलते हैं वहाँ, तब तक हम लोग करते हैं नाश्ता, आप इंजॉय कीजिए ब्यूटीफुल सा व्यू, बहुत खूबसूरत बवाना लेके ये। डेस्टिनेशन थी जिसका नाम है, देखो जिसका नाम क्या है मेरे को याद करने दो थोड़ा देखो यहाँ पढ़ के बताऊंगे। अरे यार, अरे रुको सेट। देखो इसका नाम है संत दर्शन म्यूजियम। इसके अंदर स्टोन्स की काफ़ी सारी स्टेचूज है बहुत अच्छे अच्छे, चलिए आपको दिखाता हूँ, आइए आप मेरे साथ दिखे, जल्दी जल्दी आइएगा। यहाँ पर 200 रुपये या 100 रुपये की कुछ टिकट है वो लेते हैं और उसमें मिलते हैं आपसे अंदर से। चलो तो ये एंट्रेंस है यहाँ का, पूरा केव केव के बीच में बना हुआ है। आओ आपको मैं दिखाता हूँ, आइए मेरे साथ, पीछे पीछे, इतनी दूर नहीं, आवाज नहीं आएगी, आते जाओ आते जाओ आते जाओ। ओ गणपति उसका अमूल्या, तो ये गणपति भगवान का देखिए कितना अच्छा स्कूल, कितना अच्छा मंदिर है, ये देखिए बहुत बड़ी मूर्ति है, पूरी स्टोन से बनाई है, मेरी फ्रेम में भी नहीं आ रही है, ये इतनी बड़ी है। ये बहुत ही सुंदर सा शेर और शेर के साथ में एक और शेर, चलिए ऐसा है यहाँ पर आगे देखते हैं और क्या क्या मिलता है, बने रहिए हमारे साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आपको पता है क्या करना है, हिट लाइक बटन, क्योंकि लाइट मारता हूँ मैं, आपको पता है क्या करना है। अगर वीडियो यहाँ तक अच्छा लगा तो आगे भी बने रहिए, आगे हम लोग देखेंगे बहुत सारी चीज़ें, तो वीडियो को करिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब, चैनल को करिए सब्सक्राइब और अच्छा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। आगे का वीडियो आपको कहाँ, नेक्स्ट वीडियो आपको कहाँ जाना, कहाँ का देखना वो मुझे जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए तो इस व्लॉग का करते हैं पर अंत, आपसे मिलूंगा मैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, मैं अपना ध्यान रखूंगा, राइड सेफ, डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, बी केयरफुल, साइनिंग ऑफ सुभाष। क्या नहीं फटाफट बोलना है ना, रुक जाओ मेरे को बताओ, इसे मेरे डायलॉग बताओ क्या बोले बोल दिया ऐसा बोल देना बस उसमें।